तो दोस्तों अब आईपीएल 2024 का आगाज चालू हो ही चुका है और इस वीडियो में हम आपको एक नहीं दो नहीं बल्कि आपकी सभी 10 टीमों के लगभग 45 से 50 खिलाड़ियों की रिलीज की बात करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है और इस वीडियो में आईपीएल रिलीज की सभी जानकारी आपको मिल जाएंगी। इसलिए मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो में अंत तक बने रहना। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बात करेंगे चेन्नई सुपर किंग की और चेन्नई सुपर किंग की टीम बेन स्टॉक को रिलीज करने वाली और उसकी वजह यह है कि आईपीएल 2023 में बेन स्टॉक को 16.25 करोड़ में खरीदा गया था, लेकिन पिछली बार उनका बल्ला नहीं चला था और बेन स्टॉक वर्ल्ड कप 2023 के बाद रिसर्जरी कराने वाले हैं और इंजरी की वजह से पिछली बार भी उनको कई मैचों में बाहर रखा गया था। तो इसी वजह से बेन स्टॉक को चेन्नई की टीम रिलीज करने वाली है। और दूसरा नाम अंबाती रायडू का है और उनको भी पिछली बार 6.75 करोड़ में खरीदा गया था। और तीसरा नाम कयाल जेमिसिन का है, उनको भी 1 करोड़ में खरीदा गया था। और उसके अलावा चौथा नाम ऋषंदा मंगाला का है और पांचवा नाम सिमरजीत सिंगा है और छठवां नाम शेख रशीद का है। और इन सभी खिलाड़ियों को चेन्नई सुपर किंग रिलीज करने वाली। तो अब बात करेंगे दिल्ली कैपिटल की। तो अब दिल्ली कैपिटल भी इस बार अपनी टीम से बड़े बड़े खिलाड़ियों को रिलीज करने वाली और इसमें पहला नाम पृथ्वी शो का है और पृथ्वी शो का पिछली बार का परफॉर्मेंस काफी खराब रहा था। पृथ्वी शो को पिछली बार 7.5 करोड़ में खरीदा गया था। और अब दूसरा नाम मनीष पांड्या का है जिनको 2.4 करोड़ में खरीदा गया था। और तीसरा नाम लुंगी एनिगिडी का है जिसको 50 लाख में खरीदा गया था। चौथा नाम रिपल पटेल का है। अब हम बात करेंगे पिछली बार की विजेता टीम यानी कि गुजरात टाइटंस। और गुजरात टाइटंस भी इस बार कई प्लेयरों को रिलीज करने वाली है। इसमें पहला नाम है यश दयाल का जिनको 3.2 करोड़ में गुजरात टाइटंस ने खरीदा था। और दूसरा नाम दसुन सना का है, इसको भी गुजरात टाइटंस ने 2 करोड़ में खरीदा था। तीसरा नाम ऑडियन स्मिथ का है, चौथा नाम प्रदीप सागवाला का है और पांचवा नाम उर्विल पटेल का है। इन सभी प्लेयरों को गुजरात टाइटंस रिलीज करने वाली है। अब हम बात करेंगे चौथी टीम और वो है कोलकाता नाइट राइडर्स। और पिछली बार कोलकाता नाइट राइडर्स का परफॉर्मेंस काफी खराब रहा था, तो इस वजह से कोलकाता की टीम बड़े बड़े खिलाड़ियों को अपनी टीम से रिलीज करने वाली है। और इसमें पहला नाम लॉकी फर्ग्यूसन का है जिसको केकेआर की टीम ने 10 करोड़ में खरीदा गया था और उसका परफॉर्मेंस काफी खराब रहा था। उसके बाद दूसरा नाम डेविड विसा का है, उसको भी केकेआर की टीम ने 1 करोड़ में खरीदा गया था। और तीसरा नाम साकिब अल हसन का है और चौथा नाम उपेश यादव का है, पांचवा नाम जॉनसन चार्लिसन का है और छठवा नाम मनदीप सिंह का है। इन सभी खिलाड़ियों को केकेआर की टीम रिलीज करने वाली। अब हम बात करेंगे लखनऊ सुपर जायंट की। तो लखनऊ सुपर जायंट भी काफी बेहतरीन बॉलर को यानी कि आवेश खान को रिलीज करने वाली है। लखनऊ की टीम में 10 करोड़ में एक आवेश खान को खरीदा गया था। और दूसरा नाम डेनियल सेम्स का है, उसको भी 75 लाख में खरीदा गया था। तीसरा नाम जयदेव उनाडकट का है और चौथा नाम रोमारियो शेफर्ड का है और पांचवा नाम करुण नायर का है। और इन सभी खिलाड़ियों को लखनऊ सुपर जायंट की टीम रिलीज करने वाली। अब हम बात करेंगे आईपीएल के इतिहास की सबसे सफल टीम यानी कि रोहित शर्मा की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस। तो मुंबई इंडियंस भी इस बार कई बड़े बड़े खिलाड़ियों को रिलीज करने वाली है और उनमें पहला नाम जोफ्रा आर्चर का है जिनको मुंबई इंडियंस की टीम ने 8 करोड़ में खरीदा गया था। और दूसरा नाम क्रिस जॉर्डन का है जिसको 2 करोड़ में खरीदा गया था। और चौथा नाम जानसेन का है जिसको 20 लाख में खरीदा गया था मुंबई की टीम ने। इन सभी खिलाड़ियों को मुंबई की टीम रिलीज करने वाली है। अब हम बात करेंगे सातवीं टीम और वो है पंजाब किंग्स। पंजाब किंग्स भी इन खिलाड़ियों को रिलीज करने वाली है। उनमें पहला नाम हरप्रीत भाटिया का है जिनको 40 लाख में खरीदा गया था। और दूसरा नाम राहुल चाहर का है, तीसरा नाम मैथ्यू शॉर्ट का है और चौथा नाम बलतेज का है। इन सभी खिलाड़ियों को पंजाब किंग्स रिलीज करने वाली। अब हम बात करेंगे राजस्थान रॉयल्स की। तो राजस्थान रॉयल्स भी इन खिलाड़ियों को रिलीज करने वाली है। उनमें पहला नाम बेसन होल्डर का है जिनको 5.75 करोड़ में खरीदा गया था। और दूसरा नाम जो रूट का है जिनको 1 करोड़ में खरीदा गया था। और तीसरा नाम कैसी करियप्पा का है और चौथा नाम मूर्धन अश्विन का है। इन सभी खिलाड़ियों को राजस्थान रॉयल्स रिलीज करने वाली है। अब हम बात करेंगे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर आरसीबी की टीम भी इन खिलाड़ियों को रिलीज करने वाली है। उसमें पहला सबसे बड़ा नाम है हर्षल पटेल का और इनको 10 करोड़ में आरसीबी की टीम ने खरीदा था। और दूसरा नाम दिनेश कार्तिक का है जिनको 5.5 करोड़ में खरीदा गया था। और तीसरा नाम अनुज रावत का है और पांचवा नाम क्रिस एलन का है। इन सभी खिलाड़ियों को आरसीबी की टीम रिलीज करने वाली है। अब हम लास्ट में बात करेंगे सनराइज हैदराबाद की। तो सनराइज हैदराबाद भी सबसे पहले हैरी ब्रॉक को रिलीज करने वाली है जिनको 13.25 करोड़ में टीम में शामिल किया गया था। और दूसरा नाम मयंक अग्रवाल का है, उनको भी 8.25 करोड़ में टीम में शामिल करवाया था। और तीसरा नाम आदिल राशिद का है जो 2 करोड़ में खरीदा गया था उनको भी। और चौथा नाम अकील हुसैन का है। तो दोस्तों ये रही सभी 10 टीमों के 45 से 50 खिलाड़ियों जिनको सभी 10 टीमें रिलीज करने वाली है। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले।